नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं निर्मल वर्मा की लिखी कहानी परिंदे। अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडोल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक खुसर पुसर होती रही, फिर दरवाजे की चिटकनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की दहलीज से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लो में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैम। यह सुधा का कमरा था, इसीलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वे सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिराई थी वे अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलम और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वे उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिराने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमट कर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैम। फिर लतिका का स्वर कड़ा हो गया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका स्कूल में आई है उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सबने मिलकर। और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती की गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहां आकर उसने इनके मजे को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह धैर्य से बाहर हो गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। तो मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैम, छुट्टियों में आप क्या घर नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का श्याह झुरमुट किसी अनजाने कोरे से उठकर उसे अपने में डुबा लेगा।
वे थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। गुड नाइट मैम, गुड नाइट, गुड नाइट मैम, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियां ना उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तह बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट, हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटकाया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगे बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी है, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वे भीतर ना होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। शॉल को कंधों पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने दो चार सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। ओह थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उनकी सांसें तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर आना कैसे हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुला दी। भाई इनसे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा, जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट शोपा और चाइकोवस्की के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफी पी जाएगी। और अगर उसके बाद समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम सब मिलकर कन्फेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर मुझे माफ करें, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए ये ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वे आधे बर्मी थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वे इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वे कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक दफा बर्मा जरूर जाऊंगा, और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ नहीं पूछ पाती। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वे हंस पड़ते, एक सूखी बुझी हुई हंसी। होमसिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे में परकोलेटर में कॉफी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा।
डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप चलाते हुए कहा। भाई यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है। अंग्रेजों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, ह्यूबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लोन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई, मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साएं साएं, दूर दूर तक फैली पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी, अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का स्मरण सुने, ह्यूबर्ट ने कहा। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बार रूम कुमाऊं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वे वापस बार की ओर जा रहे थे तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे आ गए थे। मिस लतिका, ये मेजर गिरीश नेगी हैं। बिलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वे नाम दब सा गया था। वे किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण ना जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनिंदा रितापन घिर आया है। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लौ फड़कने लगी। छत से भी ऊंची काठगोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगी, डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर शोपा का नॉकटर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में खुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मिया भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही हों। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हों। उन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है, धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहां शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप चल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका ना जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी क्या वे बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया, पोपला मुख, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते हैं। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया
कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था, भावुक याचना से भरा हुआ पत्र जिसमें उसने ना जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, वह भी अभी दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वे चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर ना लगाती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है, अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, ना स्वयं मिटती है ना उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव स्थिर सी हो गई हैं। वे झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, मुझे माफ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए ही वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही, मोमबत्तियां बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कश लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके। जिस कोमल अनुभूति को वे इतने समय से संजोता आया है, डॉक्टर उसे हंसी के एक ठहाके में उपहासपद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट, डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसोफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगले से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छायाएं लोन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला। हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ कौन मुझे जानता है, यहीं शायद मर भी जाऊँगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है। ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वे अक्सर चुप रहते थे। कोई पीछे नहीं है, ये बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है, लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे, उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं, ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लो को देखने लगा। तुम्हें मालूम है किसी समय लतिका बिलानागा क्लब जाया करती थी, गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ, किंतु उस रात कौन जानता था कि वे वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फर्क पड़ता है, लेट द डेड डाई
डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन गिरीश नेगी? कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। डॉक्टर, क्या लतिका? ह्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था। कितना अर्थहीन और उपहासपद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वे इसके योग्य भी नहीं था? लतिका, लतिका, वह तो बच्ची है, पागल। मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। कुछ देर बाद चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गईं। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल के कुछ दूर मैदानों में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अच्छा अच्छा डॉक्टर, चलता हूँ। डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ़ करना, मैं सिगार ख़त्म करके उठूँगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका के खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया, जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। स्कूल से ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई थी। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं सा दिखाई दे जाता था। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जागकर वह सो चुकी थी। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। हाजी मेम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सुकड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया हो। गंजे सिर पर दोनों तरफ के उसके बाल खिजाब लगाने से कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वे हमेशा खींचतान कर उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था जहां वे बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। मेम साहब, एक दफा तो यहां लगातार इतनी बर्फ गिरी थी कि भुवाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई। इतनी बर्फ थी मेम साहब कि पेड़ों की टहनियां तक सिकुड़ कर तनों से लिपट गई थी। बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गा सा बन गया। कब की बात है? लतिका ने पूछा। अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मेम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे। कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज, 2 घंटों में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे, अब तो सारे शेड खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे, अब तो सब उजाड़ हो गया। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज ये पहली बार नहीं है जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही है जब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगी मेम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन, तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती हैं मेम साहब, आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है,
वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ का पानी दरारों से टपकता रहता था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, ह्यूबर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाएं। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे। कहते थे छाती में तकलीफ है, उन्हें ये मौसम रास नहीं आता। कह रहे थे लड़कियों की बस में वे भी कल ही चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाजा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि वे ह्यूबर्ट के कमरे में जाकर उनकी तबीयत की पूछताछ कराए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंगे रहे और वे खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रही। ह्यूबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहमा सा दयनीय हो जाता है, तब लगता है कि वे अपनी मुख निरी याचना में उसे कोस रहा है। ना वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती है, ना उसे अपनी विवशता की सफाई देने का साहस होता है। उसे लगता है कि इस जाले से बाहर निकलने के लिए वे धागे के जिस सिरे को पकड़ती है वे खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। बाहर बूंदाबांदी होने लगी थी। कमरे की टीन की छत खटखट बोलने लगी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तहा कर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपर को घसीटते हुए बड़े आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी। किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में ही उलझी रही और वह गुमसुम हो शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियां जमा कर ली। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती है। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कपकपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा, वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वे मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। उनके गदीले सोफे पर लेटते ही आंख लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता है, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि 2 महीने के लिए उसके हवाले कर जाए। हर साल कमरे में ताला ठोक जाती हैं। वह तो पिछले साल गुसलखाने में भीतर की साकल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती रही थी। पहले साल अकेले में उसे बड़ा डर सा लगता था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते हैं। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती थी, तब वे करीमुद्दीन को रात में देर तक बातों में उलझाए रखती। बातों में जब खोई सी वह सो जाती, तब करीमुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना करके वे डॉक्टर को बुलवा भेजती और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती। लतिका ने कंधे से बालों का गुच्छा निकाला और उसे बाहर फेंकने के लिए वे खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर छत की ढलान से बारिश के जल की मोटी सी धार बराबर लोन पर गिर रही थी। मेघाच्छन्न आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उभर जाते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती हुई ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया। हवा के झोंके से उसकी आंखें छिप गई। उसे जितने काम याद आते हैं उतना ही आलस घना होता जाता है। बस की सीट रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपये देने हैं। जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़े जा रही हैं उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों के साथ पैकिंग करवाने के काम में भी उसे हाथ बटाना पड़ता था। वह इन कामों से ऊबती नहीं, धीरे धीरे सब निपट जाते हैं। कोई गलती इधर उधर रह जाती है सो बाद में सुधर जाती है। हर काम में किचकिच रहती है, परेशानी और दिक्कत होती है,
किंतु देर सवेर इससे छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है तब मन उचाट सा हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वे कभी इस कमरे में जाती है और कभी उसमें। वे नहीं जान पाती कि अपने से क्या करे। दिल कहीं भी नहीं टिक पाता, हमेशा भटका भटका सा रहता है। इस सब के बावजूद जब कोई सहज भाव में पूछ बैठता है, मिस लतीका छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही, तब वह क्या कहे? डिंग डोंग डिंग। स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल के घंटे बजने लगे थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया डाले गुसलखाने में घुस गई। लेफ्ट राइट लेफ्ट। कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर चार चार की पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी खुरदरी आवाजें स्कूल चैपल की दीवारों से टकरा कर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। ब्लेस्ड आर द मीक। फादर एलमंड एक एक शब्द चबाते हुए और खकारते स्वर में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडल ब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बेंचों पर बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइनों की बेंचें अंधेरे में डूबी हुई थी, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से खुसर पुसर कर रही थी। मिसवुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी थी और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रॉम्प्ट कर रही हो। आमीन। फादर एलमंड ने बाइबल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली। हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों को पीछे धकेला। बेंचें फर्श पर रगड़ खाकर सीटी बजाती हुई पीछे खिसक गई। हॉल के कोने से हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर भ्रिकुटियां चढ़ गईं, फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हॉल के उस घुटे हुए धुंधलके में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट फॉलोएथ मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट शैल हैव द लाइट ऑफ लाइफ। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और उकताहट से भरी जमाई ली। कब ये किस्सा खत्म होगा? उसने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वे सकुचाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलती रहती और वे धीरे धीरे अपनी मूछों को खींचता रहता। फादर एडमंड की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर ये बात सोचकर विस्मित हुआ करती कि क्या पादरी लोग सफ़ेद चोगे के नीचे कुछ नहीं पहनते, और अगर धोखे से वह ऊपर उड़ जाए तो। लेफ्ट 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 मार्च करते हुए फौजी बूट चैपल से दूर होते जा रहे थे। केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। हिम नंबर 117, फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हॉल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्नों के उलटने की खड़खड़ाहट फिसलती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। आगे की बेंच से उठकर ह्यूबर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कॉयर के संग पियानो बजाना पड़ता था। ह्यूबर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। अपनी घबराहट छिपाने के लिए ह्यूबर्ट हमेशा ऐसा ही किया करता था। कनखियों से हॉल की ओर देखते हुए अपने कांपते हाथों से हिम बुक खोली। लीड काइंडली लाइट। पियानो के सुर दबे झिझकते से मिलने लगे। घने बालों से ढकी ह्यूबर्ट की लंबी पीली उंगलियां खुलने सिमटने लगी। कोयर में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गुथकर कोमल
संदिग्ध लहरों में बिंद गई। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया है, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस वुड की आंख बचाकर लतिका ने चुपचाप बालों में लगे किल्पों को कसकर खींच दिया। बड़ा छक्की आदमी है, सुबह मैंने ह्यूबर्ट को यहां आने से मना किया था, फिर भी चला आया। भाई बड़ा झक्की आदमी है, सुबह मैंने ह्यूबर्ट को यहां आने से मना किया था, फिर भी चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद आ गई। रात भर ह्यूबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था, कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके ह्यूबर्ट के चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतने पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल ह्यूबर्ट का सिर दिखाई देता था। लीड काइंडली लाइट, संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाफती हुई सांसों को आकाश की अबाध शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे थे। बारिश की मुलायम धूप चैपल के लंबे चकोर शीशों पर झिलमिला रही हैं, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तिरने लगा है। पियानो के क्षणिक पोज में लतिका को पत्तों का परिचित मरमर कहीं दूर अनजानी दिशा से आता हुआ सुनाई दे जाता है। एक क्षण के लिए एक भ्रम हुआ कि चैपल का फीका सा अंधेरा उस छोटे से प्रेयर हॉल के चारों कोनों से सिमटता हुआ उसके आसपास घेर आया है, मानो कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहां तक ले आया हो और अचानक उसकी आंखें खोल दी हो। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक ना रहा हो। चैपल की छत दीवारें डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुघर सुडोल हाथ और पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे हों। एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना, चैपल के शीशों के परे पहाड़ी सूखी हवा, हवा में झुकी हुई विपिंग विलोज की कांपती टहनियां, पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चिरपरिचित खड़खड़, वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा है, चौड़े उठे हुए सबल कंधे, अपना सिर वहां टिका दो तो जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स बोयर, ये नाम उसने रखा था। वे झेप कर हंसने लगा। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो, जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। ये सब वे कहती नहीं, सिर्फ सोचती भर थी। सोचा था कभी कहूंगी, वह कभी कभी नहीं आया। बुरुस का लाल फूल लाए होना, झूठे खाकी कमीज के जिस जेब पर बैज चिपके थे उसमें से मुसावा बुरुस का फूल निकल आया। छी, सारा मुरझा गया, अभी खिला कहाँ है? उसके बालों में गिरीश का हाथ उलझ रहा है, फूल कहीं टिक नहीं पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसने कहा, देखो। वह मुड़ी और इससे पहले कि वे कुछ कह पाती, गिरीश ने अपना मिलिट्री का हैट धप से उसके सिर पर रख दिया। वे मंत्रमुग्ध सी वैसी ही खड़ी रही। उसके सिर पर गिरीश का हैट है, माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल हैं। गिरीश ने उस बिंदी को अपने होठों से छुआ है। उसने उसके नंगे सिर को अपने दोनों हाथों में समेट लिया है। लतिका, गिरीश ने चिढ़ाते हुए कहा, मैं नीटर ऑफ कुमाऊ। उसका ये नाम गिरीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। वह हंसने लगी। लतिका सुनो, गिरीश का स्वर कैसा हो गया था, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊंगा ना? ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। किंतु वह सुन रही है, वही नहीं जो गिरीश कह रहा है, किंतु वह जो नहीं कहा जा रहा है,
जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड काइंडली लाइट। लड़कियों का स्वर पियानो के सुरों में डूबा हुआ गिर रहा है, उठ रहा है। ह्यूबर्ट ने सिर मोड़कर लतिका को निमिष भर देखा, आंखें मूंदे, मूर्ति सी वे स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या ये भाव उसके लिए हैं? क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया है? ह्यूबर्ट ने एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई। देखो, मिस वुड कुर्सी पर बैठी बैठी सो रही हैं। डॉक्टर होटो में ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की छपकियां लेती हैं। फादर एलमंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। ह्यूबर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस के समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया, बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मिडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होंगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मिडोज में बनेगी। आशा करती हूँ सभी लड़कियां अच्छे से समझ गई होंगी। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा? कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे, सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओर से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा, विपिंग बिलोज की भीगी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थी। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे गुच्छे बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई हैं। नाश्ते के लिए अभी पौन घंटा पड़ा था और उनमें से अभी कोई भी लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां भी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसलिए वे इन चंद बचे कुचे क्षणों में अनुशासन के भीतर ही मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का ये गुलगपाड़ा अखरा, किंतु फादर एलमंड के सामने वे उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झुंझलाहट दबाकर वे मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमंड का लंबा ओजपूर्ण चेहरा चैपल की घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा था। कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटकाकर वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही रह रही हैं और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया है। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते, 2 महीने की छुट्टियों में बर्मा जाना काफी कठिन है फादर। मिस वुड हंसने लगी। मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती हैं, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ नहीं आता। मिस वुड ने कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकती है। अब मैं फिलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा मिस। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएंगी। और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ बहुत अच्छी नहीं है। अब फादर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिस लती का बच्चा थोड़े ही है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर एलमर्ड अपने दिल में ऐसी दकियानुसी भावना को स्थान देंगे। फादर एलबर्ड कुछ हतप्रभ से हो गए, बात पलटते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब यह नहीं था। आप तो जानती हैं, मिस लती का और उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है, वह बेचारा तो अब नहीं रहा।
मैं उसे जानती थी फादर, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों बाहों से क्रॉस किया। फादर एलमर्ड को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक शोभ हुआ कि उनसे आगे और कुछ नहीं बोला गया। डॉक्टर मुखर्जी से उनकी कभी नहीं पटती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में वे डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे, किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया और ऊपर साफ खुले आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला मिस वुड, अब क्या बारिश होगी? ह्यूबर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गईं। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी है। पियानो के संगीत से सुर रुई की छुई मुई रेशों की भांति अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मांदी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफी थक गया था। पियानो बजाने से उसके फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे लगता था कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उतारने के प्रयत्न में वे एक अंधेरी खाई पार कर रहा है। आज चैपल में मैंने जो महसूस किया वे कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था, ह्यूबर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार विषयों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपनी बची कुची गूंजों की सांसें समर्पित कर जाती हैं, जो मर जाती हैं किंतु मिट नहीं पाती। मिटती नहीं इसलिए मर के भी जीवित है, दूसरे सुरों में लय हो जाती है। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसे ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वे हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वे पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उसकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वे मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था, कारण पूछने पर वे चुप रहा था। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझसे कहने में डॉक्टर कतराता है? शायद मैं शक्की मिजाज होता जा रहा हूँ, और बात कुछ भी नहीं है। ह्यूबर्ट ने देखा लड़कियों की कतार स्कूल से हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फ्रॉकें और सफ़ेद पेटियां चमक रही है। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका के गुलाब के फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया है। कंटोनमेंट के 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी कभी किसी लड़की की ओर जरा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। हेलो मिस्टर ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप अभी यहीं हैं? ह्यूबर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वे क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुए थी। कुमाऊनी लड़कियों की तरह लतिका का चेहरा गोल था, धूप की तपन से पका गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो आया था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाल के कुछ धब्बे इधर उधर बिखर गए हों। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही हैं, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट? अभी तक तो यही इरादा है, यहाँ रुककर भी क्या करूँगा। आप स्कूल की ओर जा रही हैं? चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटती हुई पगडंडी से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली थी, चीड़ के पत्ते हरे झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर
दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में वह बह निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मंद कभी फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे शहर को अपने में समेट लेती थी। लतिका तनिक आगे निकल गई। ह्यूबर्ट की सांस चढ़ गई थी और वे धीरे धीरे हाफता हुआ पीछे से आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर सिमिट्री के दाईं ओर मुड़ा तो लतिका ह्यूबर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन ऊब जाता था तो वे अक्सर टहलते हुए सिमिट्री तक चली जाती थी। उससे सटी पहाड़ी पर चढ़कर वे बर्फ के ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखों से रुई के गोलों सी बर्फ नीचे गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वे खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एलमर्ट के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती थी, जो मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता है, वही लतिका को बर्फ में खोए रास्तों को खोज निकालने में होता था। आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका। थकान से ह्यूबर्ट का चेहरा कुमला गया था, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। कल रात आपकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? ह्यूबर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का आभास था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात शुरू करते हैं, उसने सोचा। नहीं नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलता, वे तो सुबह करीमुद्दीन ने बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो आई। कोई खास बात नहीं, वही पुराना दर्द शुरू हो गया था, पर अब बिल्कुल ठीक हूँ। अपने कथन की पुष्टि के लिए ह्यूबर्ट छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था? वे सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती, हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते हैं। कहते थे कि इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी क्या जरूरत है। ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी ना रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट, आजकल मौसम बदल रहा है ना, इसलिए अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वे अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए ही तो झूठ नहीं बोल रही। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका, डॉक्टर की सलाह सुनकर मैं डर ही गया, भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूँगा। स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है, सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीनों की छुट्टियाँ काटना भी दूभर हो जाता है। मिस्टर ह्यूबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था जिसके दूसरी ओर मिलिट्री के ट्रंक के कंटोनमेंट की ओर जा रही थी। ह्यूबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अंधमुदी सी खुली रह गई हैं, मानो पलकों पर एक पुराना फूला सा सपना सरक आया है। मिस्टर ह्यूबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया, उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव घिर आया। बहुत अरसा पहले मैं भी दिल्ली गई थी मिस्टर ह्यूबर्ट, तब मैं बहुत छोटी थी, ना जाने कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था, बहुत सी चीज़ें देखी थी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सा पड़ गया है। इतना याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे, सबसे ऊंची मंजिल से हमने नीचे झाँका था, ना जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौने से लगते थे,
हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियां फेंकी थी, लेकिन हम बहुत निराश हुए थे क्योंकि उनमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतना बदल गया है कि पहचाना नहीं जाता। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा का वेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने से लगे थे। उनकी छायाएं नंदा देवी और पंचचुली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। स्कूल के पास पहुंचते चीड़ के पेड़ पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आसपास बुरुस के लाल फूल धूप में चमक जाते थे। स्कूल तक जाने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था। मिस लतिका, आप कहीं छुट्टियों में जाती क्यों नहीं? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता होगा। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आदी हो चुकी हूँ। क्रिसमस से एक रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली जाती है और रात को देर तक नाच गाना होता रहता है। नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग होती है। रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजाता है। फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर ह्यूबर्ट। फिर कुछ दिनों बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे। वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे। फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती है, छुट्टियाँ खत्म होने लगती हैं, आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट पता भी नहीं चलता कि छुट्टियाँ कब शुरू हुई थी, कब खत्म हो गई। लतिका ने देखा कि ह्यूबर्ट उसकी ओर आतंकित भयाकुल दृष्टि से देख रहा है। वह सिट पिटाकर चुप हो गई। उसे लगा मानो वह इतनी देर से पागल सी अनगल प्रलाप कर रही हो। मुझे माफ करना मिस्टर ह्यूबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लतिका, ह्यूबर्ट ने धीरे से कहा। वे चलते चलते रुक गया था। लतिका ह्यूबर्ट के भारी स्वर से चौंक सी गई। क्या बात है मिस्टर ह्यूबर्ट? वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे आप वापस लौटा दें। समझ लें कि मैंने उसे कभी लिखा ही नहीं था। लतिका कुछ समझ ना सकी। दिग्भ्रांत सी खड़ी हुई ह्यूबर्ट के पीले उद्विग्न चेहरे को देखती रही। ह्यूबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो ह्यूबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर ह्यूबर्ट, किंतु लतिका से आगे कुछ भी नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। दोनों चुपचाप कुछ देर तक स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे। मिडोज, पगडंडियों, पत्तों, छायाओं से घिरा छोटा सा द्वीप, मानो कोई घोंसला दो हरी घाटियों के बीच आ दबा हो। भीतर घुसते ही पिकनिक के काले आग से झुलसे हुए पत्थर, अधजली टहनियाँ, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे जाते थे। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मिडोज को बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफ़ेद रिबन सा दिखाई देता है। यहीं पर काट के तख्तों का बना हुआ टूटा सा पुल है, जिस पर लड़कियां हिचकोले खाते हुए चल रही हैं। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल से जलती हुई दिया सलाई को दबा डाला, जो डॉक्टर ने सिगार सुलगाकर चीड़ के पत्तों के ढेर पर फेंक दी थी। वे नाले से कुछ दूर हटकर चीड़ के दो पेड़ों से गुथी हुई छायाओं के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी गांव की ओर जाता था,
जहां पहाड़ की गोद में शकरपारों के खेत एक दूसरे के नीचे बिछे हुए थे। दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियों के गले में बंधी हुई घंटियों का स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई दे जाता था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। आपने कभी देखी है डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में बहुत कम आते हैं। आपने कहाँ देखा डॉक्टर? लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था मिस वुड। मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप लेटा रहा। हम उसे खाली छोड़कर चले आए थे। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने में डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदल कर औंधे मुंह लेट गए। उनकी आंखें मुंद गई और माथे पर बालों की लटे झूल गई। सोचने से क्या होता है मिस वुड? जब बर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहां आकर उम्र काटनी होगी? लेकिन डॉक्टर कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहां तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। डॉक्टर ने सिगार के धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो वह वहां भी समझा जाएगा। मिस वुड, इतने वर्षों बाद मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ते जोड़ना काफी सिरदर्द का काम है। कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में प्रैक्टिस शुरू कर लीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड? जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी जी उबेगा कहीं चला जाऊंगा। जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। मिस वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दिल में वे हमेशा डॉक्टर को उच्च श्रृंखल, लापरवाह और सनकी समझती रही। किंतु डॉक्टर के चरित्र में उनका विश्वास है, न जाने क्यों। क्योंकि डॉक्टर ने जाने अनजाने में उसका कोई प्रमाण दिया हो यह उन्हें याद नहीं पड़ता। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वे हमेशा यह सोचती थी कि यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह ना होता तो अपनी योग्यता के बल पर काफी चमक सकता था। इसलिए उन्हें डॉक्टर पर क्रोध भी आता था और दुख भी होता था। मिस वुड ने अपने बैग से ऊन का गोला और सलाइयां निकाली, फिर उसके नीचे से अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा कॉफी का डिब्बा उठाया जिसमें अंडों की सैंडविचे और हैमबर्गर दबे हुए थे। थर्मस से प्यालों में कॉफी उड़ेलते हुए मिस वुड ने कहा, डॉक्टर कॉफी ठंडी हो रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाया। मिस वुड ने नीचे झुक कर देखा, वे कोहनी पर सिर टिकाए सो रहा था। ऊपर का होंठ जरा सा फैलकर मुड़ गया था, मानो किसी से मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहा हो। उसकी उंगलियों में दबा हुआ सिगार नीचे झुका हुआ लटक रहा था। मेरी मेरी, व्हाट डू यू वांट? दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी ने अपनी चंचल चपल आंखें ऊपर उठाई। लड़कियों का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता था, कभी दूर खिसता चला जाता था। आई वांट ब्लू। दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट गया।
सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती, किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियों के छोटे छोटे दल मिडोज में बिखर गए थे। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियां तोड़ रही थी। दोपहर की उस घड़ी में मिडोज अलसाया ऊंगता सा जान पड़ता था। हवा का कोई भूला भटका झोंका, चीड़ के पत्ते खड़खड़ा उठते थे। कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने झाड़ियों से उड़कर नाले के किनारे बैठ जाता, पानी में सिर डुबोता, फिर ऊब कर हवा में दो चार निरुद्देश्य चक्कर काटकर दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता था। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबी सपनों सी कुछ आवाजें, नीरवता के हल्के झीने पर्दे पर सलवटे बिछा जाती हैं, मुकलहरों सी हवा में तिरती हैं, मानो कोई दबे पांव झाँक कर आदृश्य संकेत कर जाता है, देखो देखो मैं यहाँ हूँ। लतिका ने जूली के बॉब हेयर को सहलाते हुए कहा, तुम्हें कल रात बुलाया था? मैडम मैडम मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। लतिका को याद आया कि रात वे डॉक्टर के कमरे में टेरेस पर देर तक बैठी रही थी और भीतर ह्यूबर्ट पियानो पर शोपा का नॉकटर्न बजा रहा था। जूली, तुमसे कुछ पूछना था। उसे लगा वे जूली की आंखों में अपने को बचा रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी भूरी आंखों से कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर्स मेस में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली को आपलक घूरती रही। जूली, मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वे भय से परिणत होने लगा। लतिका ने अपनी जैकेट की जेब से एक नीला लिफाफा निकालकर जूली की गोद में फेंक दिया। यह किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका हाथ कांप कर ठिटक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। थैंक यू मैम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहते हैं। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपने स्कर्ट की तह में छिपा लिया। जूली, जरा मुझे लिफाफा दिखलाओ। लतिका का स्वर तीखा कर्कश हो आया। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं? जूली इस बार कुछ नहीं बोली, उसकी उद्भ्रांत उखड़ी सी आंखें लतिका को देखती रही। यह क्या है? जूली का चेहरा सफेद फक पड़ गया। लिफाफे पर कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर की मोहर उसकी ओर घूर रही थी। कौन है यह? लतिका ने पूछा। उसने पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाह सुनी थी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती थी और उसने उन पर विश्वास नहीं किया था। जूली, जूली तुम अभी बहुत छोटी हो। जूली के होठ कांपे, उसकी आंखों में निरीह याचना का भाव घेर आया। अच्छा अच्छा, अभी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बातें करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे को देखा, कुछ बोलने को उद्यत हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गई। लतिका देर तक जूली को देखती रही, जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्या मैं किसी घूसट बुढ़िया से कम हूं? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरे से ले रही हूं? शायद शायद, कौन जाने, शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो उस अनुभूति से जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजोकर संभालकर अपने में छिपाए रहती है। एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा लिए है, पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वर की खुमारी जो दोनों को अपने में समो लेती है, एक दर्द जो आनंद से उपजा है और पीड़ा देता है। यही इसी देवदार के नीचे उसे भी यही लगा था जब गिरीश ने पूछा था, भाई तुम चुप क्यों हो? वे आंखें मूंदे सोच रही थी।
सोच कहाँ रही थी, जी रही थी उस क्षण को जो भय और विस्मय के बीच भिछा था, भय का सा पागल क्षण। वे अभी पीछे मुड़ेगी तो गिरीश की नर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। उस दिन से आज दोपहर तक का अतीत एक दुःस्वप्न की मानिंद टूट जाएगा। वही देवदार है जिस पर उसने अपने बालों के क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। पेड़ की छाल उतरती नहीं थी, क्लिप टूट टूट जाता था। तब गिरीश ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था। जब कभी कोई अक्षर बिगड़कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था तब वह हंसती थी और गिरीश का कांपता हाथ और भी कांप जाता था। लतिका को लगा कि जो वह याद करती है वही भूलना भी चाहती है, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी चीज को उसके हाथों से छीने लिए जा रहा हो, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी वह अपने किसी खिलौने को खो देती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज ही रही है, कि वह अभी मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोने में उसे खोजने का उपक्रम करती, तब खोई हुई चीज याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था। आज वे उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती। बहाना शायद करती है, उसे याद करने का बहाना, जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वे उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है। याद वह करती है किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धुले भरे शीशे को साफ कर रही हो। वह वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर ग्लानी होती है। वे फिर जानबूझकर उस खाव को कुरेदती है जो भरता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद भरता जा रहा है। देवदार पर खुदे वे अदमिठे नाम लतिका की ओर निस्तब्ध निरी भाव से निहार रहे हैं। मिडोज के घने सन्नाटे में नाले पार से खेलती हुई लड़कियों की आवाजें गूंज जाती थी, व्हाट डू यू वांट। तितलियां, छिंगूर, जुगनू मिडोज पर उतरती हुई सांझ की छायाओं में पता नहीं चलता कौन आवाज किसकी है। दोपहर के समय जिन आवाजों को अलग अलग पहचाना जा सकता था, अब वे एक स्वरता की अविरल धारा में घुल गई थी। घास से अपने पैरों को पोंछता हुआ कोई रेंग रहा है, झाड़ियों के झुरमुट से पैरों को फड़फड़ाता हुआ सपट कर कोई ऊपर से उड़ जाता है, किंतु ऊपर देखो तो कहीं कुछ भी नहीं है। मिडोज के झरने का गड़गड़ाता स्वर जैसे अंधेरी सुरंग में झपाटे से ट्रेन गुजर गई हो और देर तक उसमें सीटियों और पहियों की चित्कार गूंजती रही हो। पिकनिक कुछ देर तक और चलती, किंतु बादलों की तह एक दूसरे पर चढ़ती जा रही थी। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा। मिडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां मिसवुड के इर्द गिर्द जमा होने लगी। अपने संग वे अजीबोगरीब चीजें बटोर लाई थी। कोई किसी पक्षी के टूटे पंख को बालों में लगाए हुए थी, किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छीलकर छोटी सी बैत बना ली थी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने अपने रुमालों में नाले से पकड़ी हुई छोटी छोटी बालिश्त भर की मछलियों को दबा रखा था, जिन्हें मिस वुड से छिपकर वे एक दूसरे को दिखा रही थी। मिस वुड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गई। मिडोज से पक्की सड़कें तक 3-4 फ्लांग की चढ़ाई थी। लतिका हाँफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सबसे पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंचकर वे ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ युगिन अंग्रेजी में कहा, मैडम आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं।
और डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के होठों पर एक थकी सी ढीली ढीली मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा है और ये चढ़ाई है कि खत्म होने में नहीं आती। डॉक्टर ने अपने कंधे पर लटकते हुए थर्मस को उतारकर लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफी बची है, शायद कुछ मदद कर सके। पिकनिक में तुम कहाँ रह गए थे डॉक्टर, कहीं दिखाई नहीं दिए। दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग, मेरा मतलब है मिस वुड पास बैठी थी। मुझे लगता है मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती हैं। कोई भी मजाक करते समय डॉक्टर अपनी मूंछों के कोनों को चबाने लगता है। क्या कहती थी? लतिका ने थर्मस से कॉफी को मुंह में उड़ेल लिया। शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए हैं। और इस दौरान में जब दोनों बातें कर रहे थे, उनके पीछे मिडोस और मोटर रोड के संग चढ़ती हुई चीड़ और बांस के वृक्षों की कतारें सांझ के घिरते अंधेरे में डूबने लगी, मानो प्रार्थना करते हुए उन्होंने चुपचाप अपना सिर नीचे झुका लिया हो। पेड़ों के ऊपर बादलों में गिरजे का क्रॉस कहीं उलझा पड़ा था। उसके नीचे पहाड़ों की ढलान पर बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लग रहे थे, जो मानो किसी की टो में स्तब्ध ठिटक गई हो। डॉक्टर, मिस्टर ह्यूबर्ट पिकनिक पर नहीं आए? डॉक्टर मुखर्जी टॉर्च जलाकर लतिका के आगे आगे चल रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया था। किस लिए? अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खांसा। पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह होता जा रहा है कि ह्यूबर्ट की छाती का दर्द शायद मामूली दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसा, जैसे उसे अपनी ये गंभीरता आरुचिकर लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद लतिका कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। यह मेरा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु ये बेहतर होगा कि वे अपने एक फेफड़े का एक्सरे करा लें, इसमें कम से कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से इसके बारे में कुछ कहा है? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, ह्यूबर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठता है, इसलिए कभी साहस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लतिका भी सड़क पर अंधेरे में छाया सी चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर, लतिका का स्वर भर्राया हुआ था। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गई? डॉक्टर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने अपनी टॉर्च की मंदिम रोशनी लतिका पर उठा दी। उसने देखा लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है और वे रह रहकर पत्ते सी कांप जाती है। मिस लतिका, क्या बात है, आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती हैं। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ गया था। वे दोनों फिर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गई। पक्षियों का एक बेड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे से उनकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर इन पक्षियों को देखते रहे। लतिका को याद आया, हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं कुछ दिनों के लिए, बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ के दिनों की, जब वे नीचे अजनबी अनजाने देशों में उड़ जाएंगे। क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? किंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। उस अंधेरे में मिडोज के झरने के भूतेले स्वर और चीड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। लतिका हड़बड़ाकर चौंक गई। अपनी छड़ी पर झुका हुआ डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहा था। अब मिस लतिका, जल्दी कीजिए,
बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते बिजली चमकने लगी थी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते थे कि हवा के थपेड़ों से थकेल दिए जाते थे। दूसरे दिन तड़के ही बस पकड़नी थी, इसलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई थी। जब लतिका अपने कमरे में गई तो उस समय कुमाऊं रेजिमेंट सेंट्रल का बिगुल बज रहा था। उसके कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंप में गैस पंप कर रहा था। लतिका उन्हीं कपड़ों में तकियों को दोहरा करके लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाह से लतिका को देखा, फिर अपने काम में जुट गया। पिकनिक कैसी रही मेम साहब? तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर की पसलियों पर चिपटती जा रही है। अनायास उसकी आंखें नींद के बोझ में झपकने लगी। मैं चला आता तो ह्यूबर्ट साहब की तीमारदारी कौन करता? दिन भर उनके बिस्तर से सटा हुआ बैठा रहा और अब वे गायब हो गए हैं। करीमुद्दीन ने कंधे पर लटकते हुए मैले कुचैले तोलिए को उतारा और लैंप के शीशों की गर्द पोंछने लगा। लतिका की अंधमुखी आंखें खुल गई। क्या ह्यूबर्ट साहब अपने कमरे में नहीं है? खुदा जाने मेम साहब इस हालत में कहाँ भटक रहे हैं। पानी गर्म करने कुछ देर के लिए बाहर गया था, वापिस आने पर देखता हूँ कि कमरा खाली पड़ा है। करीमुद्दीन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से उतार दिया। ह्यूबर्ट इतनी रात कहाँ गए? किंतु लतिका की आंखें फिर झपक गई। दिन भर की थकान ने सब परेशानियों प्रश्नों पर कुंजी लगा दी थी। मानो दिन भर आंख मिचोली खेलते हुए उसने अपने कमरे में दैया को छू लिया था। अब वह सुरक्षित थी। कमरे की चार दीवारी के भीतर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी। हर चीज का उसे तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं। सब खींचतानी खत्म हो गई है। जो अपना है वे बिल्कुल अपना सा हो गया है। जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमा लिया। लैंप के फीके आलोक में हवा में कांपते पर्दों की छायाएं हिल रही थी। बिजली कड़कने से खिड़कियों के शीशे चमक चमक जाते थे, दरवाजे चटकने लगते थे, जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे खटखटा रहा हो। कॉरिडोर से अपने अपने कमरों में जाती हुई लड़कियों की हंसी, बातों के कुछ शब्द, फिर सब कुछ शांत हो गया। किंतु फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैंप का धीमा सा सीसी स्वर सुनती रही। कब वे स्वर भी मौन का भाग बनकर मूक हो गया उसे पता न चला। कुछ देर बाद उसको लगा सीढ़ियों से कुछ दबी आवाजें ऊपर आ रही हैं। बीच बीच में कोई चिल्ला उठता है और फिर सहसा आवाजें धीमी पड़ जाती हैं। मिस लतिका जरा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर के जीने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज आई थी। कॉरिडोर में अंधेरा था। वे तीन चार सीढ़ियां नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगले पर ह्यूबर्ट ने अपना सिर रख दिया था। उसकी एक बांह जंगले के नीचे लटक रही थी और दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों में जकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप जरा और नीचे झुका दीजिए। ह्यूबर्ट। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। ह्यूबर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया। विस्की की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झिंझोड़ गया। ह्यूबर्ट की आंखों में सुर्ख डोरे खिंचाए थे, कमीज का कॉलर उल्टा हो गया था और टाई की गांठ ढीली होकर नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप सीढ़ियों पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा था। इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज अ गर्ल हु लव्स मी, ह्यूबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठता था। ह्यूबर्ट प्लीज,
प्लीज। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट के लड़खड़ाते शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। मिस लतीका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतीका ने लैंप उठाया। दीवार पर उन तीनों की छायाएं डगमगाने लगी। इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज अ गर्ल हु लव्स मी। ह्यूबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधे पर सिर टिकाए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखते चढ़ रहा था। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? ह्यूबर्ट सहसा इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी लड़खड़ाती आवाज सुनसान अंधेरे में कॉरिडोर की छत से टकरा कर देर तक हवा में गूंजती रही। ह्यूबर्ट! डॉक्टर को एकदम ह्यूबर्ट पर गुस्सा आ गया, फिर अपने गुस्से पर ही उसे खींच सी हो आई और वे ह्यूबर्ट की पीठ थपथपाने लगा। कुछ बात नहीं ह्यूबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। ह्यूबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी, उनमें एक भयभीत बच्चे की सी कातरता छलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वे किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता हो। ह्यूबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। ह्यूबर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप जूते मोजे उतरवा दिए। जब डॉक्टर ह्यूबर्ट की टाई उतारने लगा तो ह्यूबर्ट अपनी कोहनी के सहारे उठा। कुछ देर तक डॉक्टर को आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से ह्यूबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट ह्यूबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर, ह्यूबर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर ह्यूबर्ट। लतिका का स्वर सिहर गया, किंतु ह्यूबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई थी। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा के तेज झोंके से आकाश में फैले बादलों की परतें जब कभी इकहरी हो जाती हैं, तब उनके पीछे से चांदनी बूझती हुई आग के धुएं सी आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती थी। आपको मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने में रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब के बार में उन्हें देखा था, मैं ना पहुंचता तो ना जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें अभी एक दो मरीजों के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से वे कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ करीमुद्दीन माउथ ऑर्गन पर कोई पुरानी फिल्मी धुन बजा रहा था। आज दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन के झिंगूरों का अनवर्त स्वर चारों ओर फैली निस्तब्धता को और भी अधिक घना बना रहा था। कभी कभी ऊपर मोटर रोड पर किसी कुत्ते की रिदियाहट सुनाई पड़ जाती थी। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर ह्यूबर से कुछ कहा था मेरे बारे में? वही जो सब लोग जानते हैं, और ह्यूबर्ट जिसे जानना चाहिए था नहीं जानता था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वे जड़वत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सब की अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए, उनकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्ति का भाव भरा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, मुझे अपनी ज़िंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसा आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। जिंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है, और यदि उम्र की मजबूरी ना होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी ना ही चकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था, आज भी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर, डॉक्टर, लतिका का गला रुंध आया था। क्या मिस लतिका? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वे क्या चीज है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी अपने रेले में
वे हमें घसीट ले जाती है। लतिका को लगा कि वे जो कहना चाह रही है कह नहीं पा रही है, जैसे अंधेरे में कुछ खो गया है जो मिल नहीं पा रहा है, शायद कभी नहीं मिल पाएगा। यह तो आपको फादर एलमंड ही बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया था। अच्छा अच्छा, चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफ़ी देर हो गई है। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कोहरा सिहर उठता था। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने जो पुरानी कॉपियां, अखबारों और रद्दी के ढेर लगा दिए थे, वे सब अब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के झोंकों से इधर उधर बिखरने लगे थे। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा, जूली के कमरे में प्रकाश की एक पतली रेखा दरवाजे के बाहर खिंचाई है। लतिका को कुछ याद आया। वह कुछ क्षणों तक सांस रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। लतिका ने दबे हाथों से हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली गई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा निकाला और धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे निर्मल वर्मा की लिखी कहानी परिंदे। दोस्तों, परिंदे मूलतः प्रेम कहानी है। कहानी में प्रेम के प्रति जितना तीव्र सम्मोहन है, उतना ही उस सम्मोहन से मुक्त होने की अकुलाहट भी। परिंदे कहानी में निर्मल वर्मा की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ भी काफ़ी उभर कर सामने आई है। इस कहानी के सभी पात्र कहीं ना कहीं अपने अतीत से जुड़े हुए हैं। वे सब अपने अतीत से, अपने दुख से आज़ाद होना चाहते हैं, किंतु वे ऐसा कर पाने में असमर्थ रहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, हर उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाई जाती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। इस कहानी के सभी पात्र अपने अतीत से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील है। यही नहीं, लेखक ने कहानी के माध्यम से मानव मुक्ति का प्रश्न उठाने के साथ साथ हिंदी कहानी की परिपाटी से मुक्ति पाने का प्रयत्न किया है। साथ ही निर्मल वर्मा ने अपना उद्देश्य भी प्रकट किया है कि प्रेमी के मर जाने के बाद अतीत को याद कर लतिका पूरे संसार में स्वयं को अकेला पाती है। निर्मल वर्मा की मान्यता है कि अतीत का मोह व्यर्थ है, मरे हुए के साथ मरना बेवकूफ़ी है। शून्यता का अनुभव मनुष्य के जीवन में निराशा और अंधकार के सिवाय कुछ नहीं लाता। अतः अतीत को जब तक हम विस्मृत नहीं करते, हम भविष्य में आगे कदम ठीक ढंग से नहीं बढ़ा सकते। अतीत को याद जरूर किया जाए, लेकिन अतीत के साथ ही चिपक कर रहना ये बेवकूफ़ी है। अतीत को भुलाकर भविष्य की कामनाएं रची जाएं, गदी जाएं, यही संदेश हम पाते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।